नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सावन महीने के दूसरे सोमवार को उज्जैन में बरसते पानी के बीच राजाधिराज भगवान महाकाल की सवारी निकली। उज्जैन के राजा के रूप में बाबा महाकाल प्रजा के हाल जानने निकले। महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले बाबा महाकाल की आरती और पूजन किया गया। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दूसरी सवारी में बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन देने निकले। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह सवारी पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सड़कों पर रंगोली भी बनाई गई थी। सवारी के दौरान तेज बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ था। सवारी में भजन मंडली शिव के स्वरूप की झांकी आगे चल रही थी। इसके बाद सशस्त्र बल की टुकड़ी समेत मंदिर के पुजारी बाबा की पालकी के साथ चल रहे थे। बाबा महाकाल की सवारी रामघाट पहुंची। यह मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने शिप्रा के जल से बाबा का अभिषेक पूजन किया। इसके बाद शाम 5:30 बजे सवारी रवाना हो गई। पूजन के दौरान दत्त अखाड़ा की ओर से दूसरे घाट पर भी पूजन किया गया। दोनों ही घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शाम करीब 7 बजे सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। वहां पूजन के बाद सवारी वापस महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई।